तो हेलो गाइस, स्वागत है विजय मका एक और न्यू दुखद भरी कहानी वाले गेम प्ले वीडियो में। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, और अभी तक नहीं समझे तो आगे आगे गेम प्ले देखते रहो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हर मैच की तरह इस मैच में भी गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे मैं उतरता हूँ कैंपेल और आसपास ढेर सारे बंदे, तो फिर मैं उतर के गांड ढूंढता हूँ और उसके बाद बंदों को पकड़ेंगे। तो आगे देखते रहो। फ्लैश भाई गलत है यार, भाई इनका रिफ्लेक्स देखा। मैं टीम अप कर रहा था। ऑसम, मैं टीम अप कर रहा था दोस्त से। जी में डाल लो तेरा टीम में। कहां से थी नंबर तू? मुरादाबाद। तो यहाँ पे टेम्पल में उतरा था दो स्क्वाड, जिनमें से 4 से 5 किल मेरे को मिलता है। तो यहाँ पे टेम्पल खाली करके मैं आगे गाड़ी ढूंढने को जाता हूँ, और उसके बाद गाड़ी ढूंढ कर हम लोग पोचिंगे में रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे बात करें अकाउंट बैन की, तो मैं इस मैच के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरा ये आईडी एक दिन के लिए पूरा बैन हो चुका है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे को कद भी नहीं पता, लेकिन इससे पहले मेरा ये वाला आईडी बैन हुआ था 10 मिनट के लिए फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम हुआ था 20 मिनट के लिए। क्यों हुआ था उस वक्त भी मेरे को नहीं पता था क्यों हुआ, और आज भी मेरे को वैसे ही नहीं पता कि क्यों हुआ कैसे हुआ। नॉर्मल डे की तरह मैं मैच खेल रहा था, वो भी एक दिन का बैन दिया पूरा। मतलब जितने बार आप लोग बैन होते जाओगे उसका टाइमिंग भी उतना ज़्यादा होगा, मेरे को ये समझ में आ चुका है। तो फिलहाल मैं अपने टीममेट को रिकॉल करके ये पोचिंग की तरफ गाड़ी लेके जा ही रहा होता हूँ कि पूरा एक स्क्वाड गाड़ी भर के पोचिंग की किट से इसी तरह आ रहा होता है, और मैं बिल्कुल रिज पे गाड़ी रोकता हूँ, और ये वाला स्क्वाड टाइप का मजा लो अभी। तो इनका लेफ्ट के बारे में नहीं जानता है, बहुत गंदा फोड़ते हैं। और बंदे आराम से कैंप पर इधर आ। तो ये वाला क्लच अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी ये किल चोरी देखो भाई। फ्लैश भाई मर यार, एक काम करो, फोड़ दो यार, से फोड़ दो साला। इतना डैमेज दिया उसको, 2 हेड मारा फिर भी नहीं मरा बॉट। तो यहाँ पे बात करें बीजेएमआई बैन की, तो यहाँ पे क्राफ्टन वाले तो बीजेएमआई को अभी तक इंडिया में अंदर नहीं कर पाए, लेकिन बीजेएमआई के प्लेयर्स को टाइम टू टाइम बैन ये देते रहते हैं। अब ये सर्वर तो चालू रखा है, लेकिन इनके सर्वर में दूसरा कोई चेंजेस नहीं आ रहा भाई। इतने सारे प्लेयर्स का आईडी बैन हो रहा है भाई, तुम थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो सिक्योरिटी में तो। लेकिन वो क्यों करेंगे भाई, अभी तो फिलहाल बीजेएमआई अनबैन के चक्कर में लगे पड़े हैं, लेकिन प्लेयर्स का आईडी भी तो देखना ज़रूरी है, लेकिन वो लोग यही नहीं करेंगे। और बात करें बड़े बड़े यूट्यूबर और स्ट्रीमर्स की, लोग भी अपना कंटेंट चेंज कर दिए, और वो लोग भी अभी दूसरे गेम्स वगैरह खेलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेएमआई अनबैन होना काफ़ी मुश्किल है। और इसीलिए ये सब चीज़ें भी हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। और आप लोग कमेंट में ये बताना कि आप लोग का आईडी कभी बैन हुआ है कि नहीं, और हुआ भी तो कितने दिन के लिए, फिर कितने मिनट के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग सामने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और यहीं पे ये क्लच होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को देखो। और आपको बैन के रिलेटेड कुछ पता हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना मेरे को।
और इसके बाद मेरा आईडी एक दिन के बाद अनबैन हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं अपना दूसरा आईडी से खेलूँ कि जब तक विजय माया अनबैन नहीं होता, क्योंकि मेरा ये मेन आईडी अगर चला गया तो फिर मतलब मैं लिटरली क्या करूँगा मेरे को खुद भी नहीं पता। तो फिलहाल अभी देखो पर अब बंदा है और मैं यहाँ पर रश करता हूँ। तो यहाँ पे मतलब मैं लिटरली ये मैसेज देख के शॉक हो जाता हूँ, भाई कैसे क्यों फिर से कैसे बैन हो गया। मतलब लिटरली उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ये सीन होता है। और आप लोग कमेंट में बताना आपका आईडी बैन हुआ कि नहीं, और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।